करता है, वो अपनी नौकरी को और बचाने के लिए जिम्मेदारी से काम करता है, क्योंकि उसको आगे जवाबदेही देनी पड़ती है। और अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे का क्या एक्शन होगा? देखिए, अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करेगी तो हम लोग अपने अपने जितने रेलवे वर्कशॉप हैं वहाँ पर हम लोग रेगुलर धरना शुरू कर देंगे, क्योंकि आने वाली भर्तियां जो हैं कहीं ना कहीं पर ग्रुप डी के अंदर भर्ती आएगी, हमको फिर उसी तरीके से वो 20% के रिजर्वेशन में धकेलेंगे, फिर उसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर हमारे ही साथी आपस में ही जो एग्ज़ाम के माध्यम से और जो वैकेंसियाँ मिल जाती हैं वो पूरी की पूरी फैली हो जाती है। हमारी आगे की रणनीति है कि हम अपने अपने वर्कशॉपों के बाहर धरना लगातार अनिश्चितकाल के लिए धरना शुरू करेंगे। मोदी जी जीएम पावर रियल पावर लागू करो रेल मंत्री हाय हाय रेल अप्रेंटिस को।